अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं रह गया सिवाय खुशी की बात मान लेने के। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। अब दुर्गा को सिर्फ खुशी ही बचा सकती है, सिर्फ खुशी। नहीं आर्यन, एक और रास्ता है। मैं शुरू से जानती थी खुशी का दूसरा नाम मुसीबत है। इस घर पर छा जाने वाली मुसीबत, एक ऐसी काली आंधी जो इस घर की हस्ती खेलती खुशियों को अपने साये में छुपाकर उड़ा कर ले जाएगी। मैं शुरू से जानती थी खुशी दुर्गा की कोई मदद नहीं करेगी, कोई नहीं। क्या ये क्या कह रही हैं आप? आप सब कुछ पहले से जानती थी? हाँ, पर मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कुछ नहीं था, और मेरी बातों पर कौन विश्वास करता। लेकिन अब क्या करें हम? हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि उस हादसे की खुशी एक अकेली गवाह है। नहीं आर्यन, खुशी अकेली गवाह नहीं है। 25 जुलाई की रात के हादसे का एक चश्मदीद गवाह और भी है। आदित्य अंकल? हाँ, सबको मालूम है कि आदित्य उस वक्त वहां बेहोश पाए गए थे जहां तुम और दुर्गा थे। लेकिन जो बात किसी को नहीं मालूम वो ये है कि आदित्य उस वक्त पूरे होश में थे। उन्होंने खुद मुझे बताया, He told me himself, कि वो उस वक्त पूरे होश में थे, और वो साबित भी कर सकते हैं कि दुर्गा ने किसी का खून नहीं किया। आदित्य, we'll be right back.